रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। खेल मंत्रालय जांच समिति बनाएगा, अनुराग ठाकुर बोले ब्रजभूषण सिंह फेडरेशन का काम नहीं देखेंगे। औरैया में कच्ची दीवार गिरने से 6 लोग दबे, एक बच्चे सहित माता पिता की मौत, 3 बेटे घायल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, बीआरपी कर युवक चला रहा था बुलेट। कर्नाटक बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू मर्डर केस में एनआईए की कार्रवाई, पीएफआई के 20 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। आज डीजीपी आईजीपी के कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, नेशनल सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर स्ट्रेटजी पर चर्चा होगी, 350 सीनियर पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अमरोहा के मंडी धनोरा क्षेत्र में भाजपा विधायक राजीव गजरौला स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता किया उन्होंने, जहां पर उन्होंने किसान यूनियन के कुछ लोगों पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। वहीं विधायक ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद इन पर भूमाफियाओं ने एक विवादित जमीन का बैनामा करा लिया है, जबकि मुकदमा विचाराधीन होने के चलते बैनामा कराना गलत है। इसी के खिलाफ आज उन्होंने प्रेस वार्ता की और किसान यूनियन के बड़े नेताओं से मामले को संज्ञान में लेने का आग्रह किया और पूरे मामले की शिकायत सीएम योगी से करने की बात कही है। कुछ भूमाफिया लोग सनोज कुमार और अनुज कुमार जो किसान यूनियन के हमारे कुछ लोग हैं, उनके साथ मिलकर उनको भ्रमित करके मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कल ज्ञापन दिया था और उन्होंने जो कुछ मांगे रखी थी, तो मैं अपने उन सम्मानित किसान यूनियन के नेताओं से आग्रह करता हूं कि पूरे मामले को समझें और दोनों पक्षों को सुने, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है और ये 11 अगस्त 2022 को आदेश दिया गया था कि इस भूमि का ना कोई बैनामा होगा जो विवादित है और कोर्ट में विचाराधीन है। किसके द्वारा आदेश दिया गया? ये एसडीएम के द्वारा। माघ मेला का तीसरा प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज है। आज पवित्र संगम जल में डुबकी लगाने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है, इसी कामना के साथ संगम पर देर रात से श्रद्धालु की भीड़ शुरू हो गई थी। वहीं कड़ाके की ठंड और हल्की सी बारिश के बावजूद मेला क्षेत्र में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। वहीं पुण्य की कामना से लोग हर हर गंगे बोल के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रभारी माघ मेला ने बताया कि अभी तक लगभग 20 लाख श्रद्धालु ने स्नान कर लिया है। मान्यता इसकी यह है कि माघ मास में लोग यहाँ प्रयागराज में आकर के कल्पवास करते हैं और यहाँ मौन होकर के मौनी अमावस्या का स्नान करते हैं और ये माघी पूर्णिमा तक स्नान करके फिर ये पुनः जो अपने अपने स्थान को लोग चले जाते हैं। दान, अन्नदान होता है, वस्त्रदान होता है, गोदान होता है, जिससे जो हो सके वो अपना संगम में आकर के अपने शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दान देता है। हम तो आए हैं आजमगढ़ जिले से। जी, आज माघ मास का मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान पर्व है और रात से ही, रात क्या, एक दिन पूर्व से ही आप देख रहे हैं लगातार लाखों लाख श्रद्धालु संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं और वापसी भी स्नान के उपरांत उनके अपनी गंतव्य को वापसी भी प्रारंभ हो चुकी है। हम लोगों ने सुरक्षा के सम्यक उपाय करते हुए जल में भी थल में भी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। अगर हम थल में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयाँ यहाँ पर व्यवस्थापित हैं, जिसमें नागरिक पुलिस के लोग, घुड़सवार पुलिस, यातायात पुलिस, महिला पुलिस, इंटेलिजेंस की टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एएस चेक टीम्स, ये सारी टीमें व्यवस्थापित हैं। जल में जब आज के दिन क्या महत्व, किस तरह से दान करते हैं? हाँ, गंगा माँ की बहुत बड़ी महत्व है। यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी आए थे, वही तभी से यहाँ की महत्ता है इसकी। हाँ, 5 बार गंगा माँ का पैर छू के तब आचमनी करके फूल माला लेकर के तब उसमें 5 डुबकी लगाती हूँ मौन धारण करके गंगा माँ का स्पर्श करके।
आजकल अन्नदान है, अन्नदान है। गंगा मैया से कामना है कि मेरा भारत सुखी रहे। सरिता पांडे। गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक मोटरसाइकिल पर बैठकर बियर पीता नजर आ रहा है और बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल चला भी रहा है। इस वीडियो के बाद पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर वाहन की नो एंट्री है। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसकी बाइक को सीज कर दिया है। साथ ही युवक की बाइक का 31,000 का चालान भी किया है। खबर जनपद चंदौली से है, जहां एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में पैर में गोली लग गई है, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घायल युवक गाजीपुर के सुहवल का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस के मुताबिक युवक कमर के पास का कट्टा रखा हुआ था, जिसे दबने से गोली लग गई है, जबकि घायल युवक ने बताया कि उसके साथियों ने गोली मारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कहाँ के रहने वाले हैं? अभी आप घायल अवस्था में आए हैं जिला अस्पताल में, क्या हुआ है आपके साथ? गोली लगी है। कौन मारा है गोली? हाँ, क्या कारण रहा, क्या विवाद रहा? थोड़ा लेन देन था पैसा सर। कौन कहाँ के रहने वाले हैं बोलो? रहने वाले हैं। तो इसके बारे में आपने थाने में सूचना दिया था? नहीं सर, देने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ आ रहे हैं? तो हमको लेके जा रहे थे। हाँ, घर से, गांव से लेके जा रहे थे बनारस। किस गांव से? गाजीपुर से। बनारस लेके जा रहे थे, क्या बोल के लेके जा रहे थे? यूपी के अमेठी में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। चाचा ने भतीजे की पीट पीट कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि चाचा और भतीजे के बीच बाइक चाबी को लेकर विवाद हुआ था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जाँच कर कार्यवाही कर रही है। खाली गाड़ी लेके मैं देवल लेके गए रहे इनके गाड़ी, तो चोरे खड़े रहे, चाबी क्यों निकाली इस काम नहीं गाड़ी के, तब ये आए घर में बोले कहीं चाबी निकाली, तो इनका फोन करें कहीं कि चाबी क्यों निकाली इस गाड़ी के, तब कहा भैया कहीं चाबी नहीं, अपन जाओ गाड़ी ले हम जाएंगे। आए वही खाद में बोले कहीं कि माँ चाबी क्यों इतना नहीं बहन किसने भरवा क्यों गाड़ी चुरा ले जाओ, गाड़ी चाबी हराई गई। तो किस चीज़ को लेकर मतलब विवाद हुआ है, किस चीज़ को लेकर आपस में विवाद हुआ था? पहले सोचले दिन से भैया मऊ द्वारा मुसाफिर खाना तहसील, उसके बाद थाना जगदीशपुर। क्या घटना हुई है? घटना सर इसके बाद में हम नहीं जाने पाए क्या हुआ सर, उसके बाद में गाड़ी लेके गए थे दिनेश। कौन है ये तुम्हारे? वो लड़का है, समझा लड़का है। और उसके बाद में सर हम नहीं जाने पाए क्या हुआ, गाड़ी आई द्वारे खड़ी हुई। क्या नाम था इसका? उनका नाम सचिन है। अच्छा, कितनी साल उम्र है इनकी? 20। बुलंदशहर से विद्युत विभाग के जेई और किसान नेता का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विद्युत विभाग के जेई किसान नेता को धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद धमकी भरा ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें यह वायरल ऑडियो का कोड बिजली घर पर तैनात जेई का बताया जा रहा है। हालांकि प्राइम टीवी चैनल इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। सोनू मुझे बार बार फोन मत करो। फोन कैसे करते हो तुम? बार बार फोन ना करो, फोन की बात क्यों ना सुन रहे? क्यों 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 फोन क्यों नहीं करूंगा सुनने के लिए? नहीं बैठे, बताओ 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 क्या कह रहे हो? फोन तो काट रहे हो, फिर ऐसे तो बोल रहे हो कि फोन मत करो। तुम यार ये अपनी नेतागर्दी दिखाओ मत, सोनू परेशान हो जाओ। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब भाई, दूसरा मैं घुसेड़ दूंगा, मैं नेतागर्दी रहे हो चक्कर में। ठीक है तो कोई बात ना, ये बात याद रखनी होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ही मुझे मत दिखाना, मुझे भी कहीं बात का मत समझना तुम। मेरी सोनू मुझे बार बार फोन मत करो। फोन क्या करते हो तुम? बार बार फोन ना करो, फोन की बात क्यों ना सुन रहे? क्यों क्यों बोल कैसे रहे मुझसे? फोन क्यों ना करूंगा? नहीं क्यों बार बार फोन करो? क्या हमारी सुनने के लिए ना बैठे किसान की तुम? नहीं किसानों की बैठते सुनने के लिए।
और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ेंगे। विशाल, जिस तरीके से प्राइम टीवी इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करता है, फिलहाल विद्युत विभाग के जेई ऑडियो का जो वायरल हो रहा है तेजी से सोशल मीडिया पर। नंदनी जी, मैं आपको बता दूं, ये ककोर थाना क्षेत्र के क्षेत्र का मामला है, जहाँ जेई एक किसान को पत्नी करता हुआ नजर आ रहा है और तेजी से वीडियो वायरल हो रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल। औरैया में अचानक एक घर की कच्ची दीवार गिरने से घर में सो रहे लोग मलबे में दब गए, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिस की मदद से उन लोगों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया है, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अभी भी जारी है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे, जहां जिला अधिकारी ने मामले की जांच कराने की बात कही है। आपका कहाँ के रहने वाले, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे, पता नहीं, कितने लोग एक्सपायर हुए, तीन लोग एक्सपायर, क्या क्या नाम था, चाचा थे हमारे, उनका नाम इंद्रवीर, चाची शकुंतला, बच्चे का नाम था विकास। बच्चा कितनी उम्र होगी उसकी, ऐसी 12-13 साल उम्र है। और आपके चाचा की, उनके 44-45 साल। अभी आप आए हुए हैं यहाँ, एक गोपियापुर में घटना घटी है, एक दीवार गिरने से तीन लोगों की मौत हुई, क्या है सरपुर मामला, किस तरीके से रहा था? हाँ, गोपियापुर गांव में एक कच्ची दीवार जो काफ़ी मोटी थी, पहले गांव में बनती थी, वो गिर गई और उसमें जो रह रहे थे मिस्टर इंद्रवीर, उनकी पत्नी और उनके एक बेटे की मृत्यु हो गई और उनके तीन बेटे घायल हैं, जिसमें एक तो कम घायल है, छोटा सा थोड़ी मोटी चोट है, बट दो बच्चे सैफई रेफर किया हुआ है। तो हम लोग गाँव में गए थे, बट उसका हमारा पंकज, कहाँ के रहने वाले पंकज, गोपियापुर के, क्या हुआ, कैसे हुआ यहाँ? ये कच्ची दीवार, इनका मकान कच्चा था, मकान था ही नहीं, एक दीवार खड़ी थी, उस पर छप्पर पड़ा, शाम के टाइम ये खाना वाना बना के सो गए, सारे परिवार 6 लोग हैं, ये मियाँ बीवी और 4 बच्चे। तो एकदम से 11:15 का टाइम हो रहा था, तो हम बगल में ही, मेरा घर है उनके, तो हम एकदम घर में ही थे, तो आवाज़ इतनी तेज हुई तो मेरा मकान तक हिल गया दीवार। अभी कुछ पेशेंट्स लाए गए थे, किस गांव से लाए गए थे और क्या रहा, कितने एक्सपायर हुए, कितने लोग घायल हैं? गोपियापुर गांव से घायलों को यहाँ लाया गया 108 एम्बुलेंस द्वारा, जिसमें से तीन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो है श्री इंद्रवीर, उनकी पत्नी शकुंतला और बच्चा विकास। सर विकास को, जी हाँ, विकास की करीब 12 वर्ष से, तो इनको प्राथमिक जाँच के उपरांत मृत घोषित कर दिया गया है, दो बच्चे अंशु और आकाश। कानपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी वंचित बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश के हत्या के मामले में आरोपी है। आपको बता दें कि पुलिस आरोपी बदमाश की गिरफ्तारी के लिए गई थी, जहां पर बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया है, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया है, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रिजवान साथ में जुड़ेंगे। रिजवान, कानपुर के 25,000 इनामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नंदी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थाना नौबत्ता क्षेत्र के हंसपुरम चौकी क्षेत्र का मामला है, जहां पर जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी। इससे पहले बदमाश ने फायर किया था, जिसमें जितने पुलिस बाल बाल बच गई थी, वहीं पर बदमाश ने ही फायर किया। फिर पुलिस ने जब उसकी जवाबी दी तो बदमाश के पैर पर गोली लग गई, जो 25,000 का इनामी था। हत्या और हत्या के मामले में बहुत काफी दिनों से वंचित था और सूजी की टीम द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिजवान। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।